हाय व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वाई टी शक्ति और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि ऑफिशियल ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो आप सबका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आप सभी के समर्थ पोर्टल के बारे में। ठीक है, जैसा कि अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको ये नहीं पता है कि समर्थ पोर्टल क्या है और उनको कैसे समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैंने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फुल प्रोसेस के से वीडियो अपलोड कर दिया है और काफी छात्रों ने अपने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि उनका जो एबीसी आईडी समर्थ पोर्टल पर लिंक नहीं हो रहा है वो कब तक लिंक होना शुरू होगा, और बहुत से छात्रों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, और कोर्स वगैरह चूज करने में काफी छात्रों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा आप सभी को इस चीज के बारे में क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि आज आप सभी के जो टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले आप सभी के समर्थ पोर्टल के बारे में। ठीक है, जो भी आप सबके कमेंट आए हुए हैं कि एबीसी जो आईडी है उसको लिंक करने में इरर आ रहा है, कब तक सही होंगे, और बहुत से छात्रों के कमेंट आए हैं लास्ट डेट को लेके, काफी छात्रों के कमेंट आए हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, कोर्स वगैरह जो चूज कर रहे हैं उसमें काफी छात्रों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर आप सबको बता दूं, ठीक, कि जो इरर आ रहे हैं, ठीक है, जो आप सबके एबीसी आईडी जो लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी इतना जल्दी इस पे साइट को सही नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी के जो प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो नोटिस अपलोड की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि आप सभी के जो समर्थ पोर्टल है उस पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ लॉगिन होना था। ठीक है, और शुरू में आप सभी के जो एबीसी का आईडी है यानी कि अकाउंट है वो लिंक हो रहा था, बट बाद में आप सभी के अकाउंट वहां पे ऑप्शन को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफी छात्र उसी में फंसे रह जाते थे और अपना जो लिंक वगैरह है, मतलब एबीसी अकाउंट का जो वहां पे लिंक कर रहे थे उस चीज को लेके काफी परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, इसी चीज को लेके उस लिंक को अभी के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, अभी के लिए आप सभी को बस अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उस पे लॉगिन होना कंपलसरी है। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जब भी आप सभी के एबीसी अकाउंट लिंक होना शुरू होंगे मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा, आप सभी परेशान ना रहे। ठीक है, जो भी छात्र अपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वे सर्टिफाइड हो जाए इस चीज को लेके कि उनका जो एबीसी का अकाउंट है अभी लिंक नहीं होगा। लगभग एक वीक बाद या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है जब आप सभी के एबीसी अकाउंट लिंक होना शुरू होंगे। और दूसरी बात रही आप सभी के लास्ट डेट को लेके, काफी छात्रों के कमेंट आ रहे थे लास्ट डेट को लेके। ठीक है, तो लास्ट डेट को लेके एक चीज आप सबको क्लियर बता दूं मैं कि लास्ट डेट अभी यूनिवर्सिटी में जो इससे पहले 30 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, बट उसके बाद जब डेट को बढ़ाया गया तो आप सभी के लास्ट डेट की कोई भी डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो आप सभी जो भी छात्र अभी ऑनलाइन नहीं किए हैं कर ले, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, ज्यादातर छात्रों के ये भी कमेंट है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पे देख लेते हैं कि हमको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाना है, इसके बाद किसी भी सर्च ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको सर्च करना है rmlau.samarth.edu.in। ठीक है, सर्च कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के हो जाएगा, ओपन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा गया है, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा गया है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा गया है सेलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आपका जो भी कोर्स वगैरह है प्रोग्राम है उसको आपको
चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा है बी बैचलर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद नाम जो है फिल कर देना आपको। इसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया। नीचे कैप्चा कोड है उसको फिल करेंगे। इसके बाद आपको नीचे सबमिट के बटन है उस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा। लिखा गया इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंटिन्यू योर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर पहले कॉलम में फिल करना है, दूसरे कॉलम में आपको अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हम फिल कर लेते हैं, ठीक, मोबाइल नंबर फिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी फिल करना है, ठीक। तो जल्दी से ईमेल भी फिल कर लेते हैं, ईमेल को फिल कर लेते हैं। इसके बाद नीचे सबमिट की बटन है उस पर करना है क्लिक, ठीक है। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के हो जाएगा ओपन, देख सकते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन पर या ईमेल पर एक ओटीपी गई है उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सबमिट बटन पे दोबारा से आपको कर देना है क्लिक। सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया सेट योर पासवर्ड, ठीक है। एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जो आपका यूजर नेम है वो आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है, नीचे कंफर्म पासवर्ड है, दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अपने हिसाब से पासवर्ड बना के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा, यहाँ ग्रीन में, और लिखेगा ग्रेट, लिखा रहेगा लॉग इन नाउ। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पर यूज़र नेम में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, तो मैंने इनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद सबमिट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा। यहाँ पे बैचलर पार्ट लिखा गया है, आपके कोर्स का नाम, ठीक है, आपके कोर्स का नाम है। नीचे क्लिक हेयर लिखा है, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोफाइल वगैरह है वो हो जाएगा खुल के ओपन, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल वगैरह पूरा दिया रहता है, और नीचे ABC ID दिया गया है, एक्सेल रिकॉर्ड, क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने ABC अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बट अभी मैंने जैसा पहले ही बता दिया था कि अभी आप सभी के ABC अकाउंट लिंक नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप सभी परेशान ना रहे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लॉगिन करके अभी के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही आप सभी की ABC अकाउंट यहाँ पर लिंक होना शुरू हो जाएंगे, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा और आप सभी अपने ABC अकाउंट को लिंक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और गाइस, अगर हमारे वीडियो में यहां तक चले आए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।